सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं सेरापूंजी। तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, बहुत मस्त हो रहा है, हवा भी मस्त चल रहा है, ठंडा मौसम है और अपने दोस्त लोग को देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना सबको यहाँ पे। पॉजिटिव वाइब है और सब कोई कूड़ा साफ कर रहा है। हम लोग यहाँ पे भी डिसिप्लिन होता सबका। 3 hours later सो गाइस पहुँच चुके हम लोग एलिफेंट फॉल्स और यहाँ पे पीछे गाड़ी पार्क हुआ है हम लोग का। ठंड है थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा ज्यादा ठंड है। चलो चलते हैं, लेक पे देखने को मिलेगा मस्त। और चल चल चल, टाइम नहीं है, आधा घंटा में हम लोग वापस भी आना है। तो यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि शिल्पा शेट्टी भी इधर आ चुकी है। अरे छोड़ो ना, उनसे क्या मतलब है, हम लोग आए तो वो बड़ा बात है। वाटरफॉल का आवाज आ रहा है, तो गाइस ये रहा वाटरफॉल। और ये डिप्रेस ब्लॉग बना रहा है थोड़ा, तो हम लोग सेकेंड फॉल पे जा रहे हैं। सो गाइज यहाँ से बहुत नीचे जाना पड़ता है सेकेंड फॉल के लिए और कुछ ज़्यादा ही नीचे है। यहाँ पे एक तो ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा आपको आगे, ये है वो ब्रिज, अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे। और ये है वो सेकेंड फॉल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड फॉल ये वाला है और थर्ड फॉल ये वाला है। सो गाइज यहाँ से पत्थर से पानी गिर रहा है, मस्त लग रहा है देखने में। I'm in too deep and we're both losing control. तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, तीन वाटरफॉल जो एक ही वाटरफॉल से ज्वाइन। और यहाँ पे एंट्री फीस लेता है 100 rupees पर पर्सन, और ज़्यादा लोग हुआ तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे हम लोग का 27% था तो उसमें 500 का डिस्काउंट लग गया, तो हम लोग का टोटल लगा 2200। अभी वापस जा रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग जाएंगे चेरापूंजी वाटरफॉल से। और यहाँ पे अंदर आने के बाद कोई भी सामान 10 rupees जाता है, मतलब 20 rupees का चीज़ भी आप 30 rupees में किनोगे और 10 rupees का पानी भी 20 rupees का मिलता है। तो पानी वानी सब जितना भी सब कुछ लेके आना अपने साथ, फालतू का पैसा बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। अभी तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखते घूम पाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का गाड़ी जो है स्टॉप हुआ है थोड़ा, ठीक है। ये जो व्यू है बहुत अच्छा लगा सबको, बोल के स्टॉप किया गया है गाड़ी। तो ऐसा मत सोचना कि ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है पहाड़, बहुत ऊंचा है, यहाँ से नीचे देखने पर पता चल रहा है। और ठंड बढ़ गया इधर, कम से कम 5 degrees का फ़र्क पड़ा है और मैं अभी स्वेट शर्ट पहन चुका हूँ। तो रबीना को देख सकते हो स्वेटर पहन के रेडी है एकदम। ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तब भी ठंडा लग रहा है। 1 hour later सो गाइज हम लोग बहुत देर के बाद मौसे माई केव पहुंच चुके हैं। गाइज ये है एग्जिट और ये है एंट्रेंस, यहाँ से टिकट वगैरह मिलेगा और हम लोग केव देखने जाएंगे।
इलाका मौसमी इलाका हाका इलाका हाका। सो गाइस रात का टाइम हो चुका है और मेरा कैमरा खत्म हो रहा है और ये भूतिया डस्टबिन देख सकते हैं जिसके आंख से खून निकल रहा है। ये है केव। अच्छा है ना केव बड़ा केव कैसे होता है थोड़ा स्ट्रक्चर देखो जहाँ पे मैं पतला है क्या छोटा सा निकल तो जाएगा ही निकल तो जाएगा सो के भी निकल सकते। ओ भाई कितना कितना छोटा है भाई। रुक जा सुमी रुक मैं जाता हूँ तेरे भाई के साथ रहूंगा ना ध्यान रखूंगा। ओ अम्बो अम्बो ऊपर क्या है वो ऊपर तो भूत भात है बे जगह है कि नहीं कौन रुका है। गाइस बहुत छोटा सा जगह है यहाँ पे बैठ के जाना पड़ रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओए एकदम स्लोली आना ठीक है यहाँ पे माथक में चोट भी लग सकता है। यहाँ पे बियर ग्रिल्स बन चुके हैं हम लोग गाइस। आई एम सुपर एक्साइटेड। ऐसे कैसे जाएंगे? अरे ऐसे ही जाना पड़ेगा जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप यहाँ भी देख सकते हो क्या स्ट्रक्चर है भाई साहब ये कुदरत ने बनाया है विश्वास नहीं हो रहा। मेरा कहना है कि कुदरत जैसे जब इतना वाहियात चीज बना सकता है इतना वाहियात चीज तो इतना अच्छा तो बन ही सकता है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है यार यहाँ पे पानी ही पानी और यहाँ पे छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है और ये लोग को देख सकते हो आराम से आराम से आराम से आराम से। वाओ वाओ देखो गाइस इतना सुंदर है बहुत सुंदर है क्या सुंदर दिख रहा है मेरे को तो डरा होना खाली दिखी। वाओ ये आर्टिफिशियल है बक नेचुरल है सर पूरा। अगर 360 आप देखोगे माथे के ऊपर कुछ ऐसा खतरनाक खतरनाक शेप बना हुआ है सिर के ऊपर अगर लगा नहीं है तो फट के चार हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो इस गड्ढे से हम लोग निकले हैं अंदर से मतलब इस गुफा से और आगे चलते हैं और यहाँ पे सेल्फी लिया जा रहा है। हाँ गाइस ये हाथी का पैर लग रहा है हाथी का स्केलेटन। ओ भाई चमगादड़ चमगादड़ गया। ओ भाई भाई सांप वाप ना निकल जाए यहाँ पे नहीं है नहीं है। ओए सांप अरे वाओ बहुत सारा शेप से देखो यहाँ बहुत अजीब अजीब टाइप का शेप से सिर पे अगर यहाँ से लग गया ना चोट मेरे को कुछ इस टाइप से आना पड़ रहा है तो कुछ इस टाइप से लग रहा है देखो। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं अब तो ये है लास्ट। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो सिर में कैसे चोट लग सकता है मुझे यहाँ पे देखना पड़ रहा है ऊपर नीचे देख के और यहाँ पे मैं फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं निकल गया तो पैसा वसूल हो गया गाइस सिर्फ 30 रुपया यहाँ पे एंट्री फ्री है ठीक है एंट्री फी है। अब जाके हम लोग जो है गाड़ी में वापस बैठेंगे और एक तो फॉल्स देखने जाना है। One hour later. So guys, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कौन सा वाटरफॉल है ये वाटरफॉल है बोरा बोरा। तो गाइज वहाँ पे वाटरफॉल है जो अभी दिखाई नहीं देगा सुबह दिखता है यार। आज भी नहीं।